अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अपने यूट्यूब चैनल पे आज मैं आप लोगों के लिए रेसिपी लेकर आई हूँ मज़ेदार अरवी गोश्त की, जो कि बनाना बहुत आसान है और इसकी रेसिपी भी बहुत आसान और मज़ेदार है। तो सबसे पहले मैं चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। आपने करना ये है, सबसे पहले आपने एक पैन लेना है, उसके अंदर आपने डालना है एक बाउल तेल, कुकिंग ऑयल डालना है आपने उसके अंदर, और जब आपका तेल गर्म हो जाए तो आपने उसके अंदर 2 चम्मच जीरा डालना है। और तेल में जीरा डालने के बाद आपने उसको थोड़ा सा भून लेना है। और यहाँ मैंने ली है 2 दरमियाने साइज की कटी हुई प्याज, जो कि मैं इस तेल में शामिल करूंगी और इसको फ्राई करूंगी, हल्का सा फ्राई करूंगी। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं प्याज जो है वो हल्की नरम हो चुकी है। हमने अपनी प्याज को ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, जब हमारी प्याज थोड़ी नरम हो जाए, थोड़ी थोड़े पिंक और ब्राउन हो जाए, तो फिर हमने उसके अंदर अगली चीज़ शामिल करनी है। देखें इस तरह से हो जाए हमारी प्याज ऑलमोस्ट, तो फिर हम इसके अंदर शामिल करेंगे टमाटर। यहाँ मैंने 2 टमाटर लिए हैं बारीक कटे हुए, और ये भी मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी। और मैं टमाटरों को गलने के लिए छोड़ दूंगी, मैं पहले इनको गलाऊंगी थोड़ा। अगर ज़रूरत पड़े तो आप पानी डाल सकते हैं, मुझे ज़रूरत नहीं थी तो मैंने पानी नहीं डाला टमाटरों को गलाने के लिए। और अब देखें हमारे जब टमाटर थोड़े नरम हो चुके हैं, मैंने उसके अंदर 1 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल किया है। हमारे टमाटर पूरी तरह नहीं गले लेकिन थोड़े नरम हो चुके हैं, उसके अंदर मैं शामिल करूंगी 1/2 चम्मच हल्दी। मैंने उसके अंदर शामिल की है लाल पिसी हुई मिर्चें 3 चम्मच, और नमक जायका के मुताबिक आप ऐड करें, आप जितना ऐड करते हैं। फिर आप इसके अंदर तकरीबन 2 ग्लास पानी डालकर इसको पकने के लिए छोड़ दें, और साथ ही साथ आप इसके अंदर जो है गोश्त वो भी ऐड कर दें। मैंने यहाँ पे लिया है बीफ का गोश्त, जो कि मैं इसके अंदर शामिल करूँगी और फिर इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी मैं 1/2 घंटे तक हल्की आंच पे, ताकि हमारा जो गोश्त है वो गल जाए। देखें मैं इसको पकने के लिए छोड़ दूंगी, अब 30 मिनट बाद मैं आके चेक करूंगी कि क्या सूरत हाल है। हल्की आंच पे गोश्त गलाएंगे तो वो ज़्यादा अच्छी तरह गलता है। और देखें जी, हमारा गोश्त जो है वो गल चुका है, और अब टाइम हो चुका है कि मैं इस सालन को भून लूं। तो चलें सालन को भूनते हैं, लेकिन उससे पहले मैंने 1 चम्मच जो है पिसा हुआ गर्म मसाला डाला है इसके अंदर, और अब मैं सालन जो है अपना मैं उसको भून रही हूँ, ताकि जो हमारा तेल है सालन का वो ऊपर आ जाए और हमारे सालन अच्छी तरह भुन जाए। देखें आप सालन को अच्छी तरह भून लें। और अब आप इसके अंदर जब आपका सालन भुन जाए तो आप इसमें अरवी शामिल कर लें और उसको अच्छी तरह मिक्स करके, अब आपको अरवी गलानी है तो उसके लिए आपको इसके अंदर डालना पड़ेगा पानी। और यहां पर मैं डालूंगी इसमें पानी, तकरीबन भी मैंने 3 ग्लास पानी इसमें शामिल किया है, ताकि हमारी अरवी गल जाए।
और अब मैं इसको हल्की आंच पे फिर से पकाऊंगी ताकि मेरी अरवी गल जाए। और मैंने इसको हल्की आंच पे 15 से 20 मिनट तक पकने के लिए छोड़ दिया है। और हाँ, पकने के लिए छोड़ दूंगी, लेकिन अभी मैं इसके अंदर शामिल करूंगी हरी मिर्चें। मैंने 3 मोटी वाली हरी मिर्चें ली हैं जो मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ। ये ऑप्शनल है, आप ना भी ऐड करें तब भी चलेगा। और जी देखिए, हमारे जो है अरवी जो है वो गल चुकी है, हमारा जो अरवी का सालन है वो रेडी हो चुका है। और अब हम इसको किसी बाउल में सर्व कर लेते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। और जी देखिए, हमारा अरवी गोश्त बिल्कुल तैयार है जो कि बहुत टेस्टी है। आप लोग ज़रूर इसकी रेसिपी ट्राई कीजिएगा, बहुत आसान और बहुत मज़ेदार रेसिपी है। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।